खांडों को काट दिया और दोनों खांडों से भुजाओं से खून की धार निकलने लगी और मैदान पर खून की नदियां। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के निरंजनी घाट पे और आज हम आपको गंगा जी का पूरा जलस्तर दिखाएंगे और यहाँ पे अभी क्या है स्थिति वो भी हम दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये देख पाएंगे, ये है कुछ गंगा जी का पूरा ये व्यू और ये देख पाएंगे कि अभी फ़िलहाल में लोग बोटिंग भी कर रहे हैं और ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद भी आपको तमाम बोट दिख रहे होंगे और उस पर लोग भी दिख रहे होंगे। और ये देख पाएंगे अभी हम मौजूद हैं निरंजनी घाट पे। ये है निरंजनी घाट और उसके जस्ट बगल में ये जो किला नुमा आप देख रहे हैं, ये है चेत सिंह का किला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है और जो भी सीढ़ियाँ हैं वो फ़िलहाल में डूब चुकी हैं। इधर आपको कोई भी सीढ़ी नज़र नहीं आ रही होगी जबकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये जो घाट है काफ़ी ऊंचाई पे ये घाट है, लेकिन अभी की आप स्थिति देख रहे होंगे। और फिलहाल में जो गंगा जी का जो जल स्तर है बीच में कम हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि अब जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हमें फिर से घाटों का आनंद उठाने को मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा नहीं हुआ। अभी हमें लंबा इंतज़ार करना होगा और ये स्थिति बनी रहती है देव दीपावली तक। और आपको पता ही है कि बनारस में जो देव दीपावली का त्यौहार है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं पिछले साल की बात करूँ तो जो जल स्तर था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। ये जो आपको भी फ़िलहाल में ये सारी सीढ़ियाँ दिख रही हैं एक दो, और वो भी सारी चीज़ें डूब गई थी और थोड़ा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ये पूरा घाट ही डूब चुका था। तो अभी फ़िलहाल में पिछले साल के मुकाबले अभी थोड़ी स्थिति आप देख सकते हैं, थोड़ी स्थिति ठीक है और जो जल स्तर है वो भी थोड़ा कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बोटिंग कर भी रहे हैं। जो जल स्तर है काफ़ी ज़्यादा है तो बीच में बहाव भी ज़्यादा है। और इस टाइम जो लोग बोटिंग कर रहे हैं काफ़ी रिस्क के साथ कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल तो ऐसा कुछ परमिशन नहीं था कि आप बोटिंग कर सकते हैं। और फिलहाल में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं, ये बोटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नाविक लोग थे उनका ये कहना था कि नाव ना चलने की वजह से उन आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और रोजी रोटी पे भी बुरा असर पड़ रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी परमिशन दे दिया गया है और जो अवेयर होंगे उन्हें बोटिंग नहीं करना होगा तो वो ना करें, यहाँ पे कोई प्रेशर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल में जो भी लोग कर रहे हैं बोटिंग वो लाइफ जैकेट पहन के ही करते हैं। और सामने से आप ये देख पाएंगे ये है महानिर्वाणी घाट। और उसके भी जस्ट बगल में है शिवाला घाट और ये देख सकते हैं आगे की तरफ और भी घाटें हैं, लेकिन अभी देख सकते हैं कि हम अभी हम जा नहीं सकते उधर। सामने से आप ये देख पा रहे होंगे ये है चेत सिंह किला। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे लेके और आगे का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से बाहर से लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पे गंगा जी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। वैसे बाढ़ की स्थिति बन जाने की वजह से उतना इंजॉय तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, ये वही लोग हैं और यहाँ पे ये फुल इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको भी कुछ व्यू दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं चेत सिंह किला के पास और ये है कुछ नज़ारा चेत सिंह किले का। नहीं, रिसेप्शन पे बात करते हैं।
और ये आप देख सकते हैं गंगा जी के लहरों को, ये कितना औसम लग रहा है। और ये आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल में स्विमिंग करना और बोटिंग करना कितना ही रिस्की हो सकता है, लेकिन लोग कुछ घंटों का एंजॉय करने के लिए सारी चीज़ों को दाव पे लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, और अगर हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे तो सीधे 80 घाट की तरफ चले जाएंगे। वैसे ये कैमरे में जूम नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में 80 घाट इधर से दिख भी रहा है, काफ़ी भीड़ दिख रही है। और ये है पूरा गंगा जी का पूरा व्यू। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी बोट है और उसमें पूरे लोग भरे हुए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है चेसिंग किला। तो आइए चलते हैं हम आपको ऊपर लेके और देखते हैं कि क्या कुछ है। तो ये देख पाएंगे, ये है कुछ अंदर का ये पूरा व्यू। वैसे फ़िलहाल में ये बंद ही रहता है, ये आप गेट देख सकते हैं, लेकिन ये आज खुला है हुआ है। तो चलिए हम आपको आज टूर भी करा देते हैं। क्या आशुतोष भगवान से दजी की ऋषि ने ग्रहण किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा है। भगवान वर्णन करते हैं, ये है कुछ व्यू। दजी की जुबा वहां तक पहुंचती है तो वह यक्ष में समाप्त होती है, क्योंकि गाय के जुबा पर अमृत है। वह कामधेनु आकर दधी की ऋषि ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को प्रदान किया। इंद्र अब जाओ, वह व्रत का सुख समाप्त होगा। खांडों को काट दिया और दोनों कांधों से भुजाओं से खून की धार निकलने लगी और मैदान पर खून की नदियां बह गई। वृत्रासुर ने अपने मुख को खोला, नीचे के होठ को धरती को लगाया, ऊपर के होठ, इसलिए वृत्रासुर के पेट में इंद्र नारायण कवच का पाठ करता है। पेट को चीर कर रथ के साथ वृत्रासुर बाहर पड़ता है। दोनों का पुनश्च घमासान युद्ध हुआ। इंद्र के हाथों से वज्र नीचे गिर जाता है। वृत्रासुर कहता है,
इंद्र उठाओ मुझे मारो। कितना जिया इसका महत्व नहीं है, कब मरना है इसका महत्व। और इंद्र समीप आया मारने के लिए और वृत्रासुर वहां पर प्रार्थना करता है। भागवत में चार श्लोक मानो गागर में सागर भर दिया। वृत्रासुर प्रार्थना करता है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरे कर्म करो सुखाय। भगवान मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो प्राण बल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का मंगलमय गुण करे और शरीर आपके सेवा में संलग्न रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाक भ्रष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवत्या समञ्जसत्वा विरह कांक्षे। वृत्रासुर कहता है, भगवान मैं आपको छोड़कर ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य रसातल का एक छत्र राज्य योग की सिद्धियां यहां तक कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता आपसे। न मुझे साम्राज्य चाहिए न मुझे वैभव चाहिए, प्रभो आप ठीक से सुन लो, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और सभी की धड़पण मोक्ष के लिए है और यहां पर ये कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावच्छतराक्षुधारणा प्रियं प्रियेवं विशितं विशन्ना मनोरविन्दाख्यदिद्रक्षते त्वा। प्रभो हे नारायण, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे, जैसे पंछियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की राह देखते हैं, पेड़ के घोंसलों में पंछियां अपने बालकों को जन्म देते हैं और वे वहां से उड़कर वन में जाकर बच्चों को खाने के लिए दाना लाते हैं, पर वह बच्चे प्रतीक्षा करते हैं मेरी माँ आएगी मेरी माँ आएगी मेरी माँ आएगी। भगवान इसी प्रकार हर जन्म में मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, वियोगिनी पति प्रियतम से मिलने के उत्कंठित रहते हैं, वैसे मेरा मन आपके लिए छटपटाता है। जैसे गाय का बछड़ा हमारे घर में है और प्रातः काल गाय को छोड़ते हैं, वह वन में जाती है, वन से 5:30-6 बजे वह शाम को घर को लौटती है तो वह आवाज करती है और वह आवाज बछड़ा सुनता है और बछड़ा भी उस आवाज में आवाज मिलाता है। गाय और बछड़े का आवाज वात्सल्य
और वाचल्य के कारण इसमें शब्द निर्माण हुआ माँ। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पुरातन समय में माँ को माँ कहते थे, पर आजकल नया लड़का नई माँ को माँ नहीं कहता, मम्मी। माँ कहो माँ। प्रभु कैसे किसी का पति परदेश चले जाता है 4-8 दिन तो पत्नी उसकी हर समय में प्रतीक्षा करती है, वैसे ही प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। नारायण मेरा मन आपके लिए छटपटा रहा जय जय राम।